हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश और पॉलीटेक हब में आपका स्वागत है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के इस वीडियो सीरीज़ में अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है मल्टी प्रोसेसिंग, है ना। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मल्टी जो है टास्किंग क्या होता है, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो ये सब चीज़ें टर्म है मल्टी सब में लगा हुआ है प्रीफिक्स के मल्टी क्या होता है। तो ये समझने वाली चीज़ है कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, कन्फ्यूज नहीं होना इसीलिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि मल्टी टास्किंग क्या होता है, और अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टी प्रोसेसिंग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। तो आइए देखते हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है। देखिए, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब होता है मल्टी प्रोसेसर। ये समझिए कि यदि आपके कंप्यूटर में, यानी किसी भी कंप्यूटर में जो है एक से ज़्यादा सीपीयू लगा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर। क्या बोलते हैं? और वो जो काम करता है उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। क्योंकि एक साथ, अब सिंपल सी बात मैंने बताया था आपको कि एक बार में एक सीपीयू पर हम एक ही प्रोसेस को क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं। मतलब एक बार में एक द सेम टाइम हम एक प्रोसेस को एक सीपीयू पर रन कर सकते हैं, यानी एक सीपीयू एट ए टाइम, यानी एक समय में एक ही प्रोसेस को क्या कर सकता है? रन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? देखिए, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा क्या होंगे? सीपीयू होंगे। तो अब फायदा क्या है? देखिए कि जब एक से ज़्यादा सीपीयू हैं तो हम एक साथ जितने ज़्यादा सीपीयू होंगे उतना ज़्यादा प्रोसेस को क्या कर एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक साथ में। क्योंकि एक प्रोसेस जब एक मतलब सीपीयू जो है एक प्रोसेस को रन कर सकता है, तो मल्टीपल सीपीयू तो मल्टीपल प्रोसेस को रन कर सकते हैं सेम टाइम। तो इसीलिए हम एक साथ क्या कर सकते हैं? सीपीयू को, अलग अलग सीपीयू को भी क्या कर सकते हैं? अलग अलग प्रोसेस दे सकते हैं, और एट द सेम टाइम वो उसको क्या कर सकता है? एग्जीक्यूट कर सकता है। चूँकि अलग सीपीयू एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा जो हैं प्रोसेसेस क्या होंगे? एक साथ क्या हो सकते हैं? इस पे रन हो सकते हैं, एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो इसीलिए इसका कंसेप्ट जो है, अलग नाम हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल मतलब क्या? एक साथ जब हम एक से ज़्यादा काम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पैरेलल प्रोसेसिंग। तो यहाँ भी कंसेप्ट है कि यदि हम एक से ज़्यादा, मान लीजिए इसको हमने क्या किया, प्रोसेस वन दे दिया, इसको हमने प्रोसेस टू दे दिया, और इसको हमने प्रोसेस थ्री दे दिया। अब क्या है, चूंकि एक से ज़्यादा प्रोसेस है आपके पास, एक से ज़्यादा सीपीयू है आपके पास, तो ये क्या करे, एक साथ ये तीनों प्रोसेसर क्या कर सकता है? तीन अलग अलग प्रोसेस को क्या कर सकता है? रन कर सकता है। तो ये कंसेप्ट है, चूंकि एक साथ हम एक से ज़्यादा प्रोसेस को रन कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको मल्टी प्रोसेसिंग, और मतलब एक से ज़्यादा हम प्रोसेसिंग एक साथ कर सकते हैं। अब समझते हैं, देखिए कुछ पॉइंट्स इसमें समझना है कि टू और मोर सीपीयू विद इन अ सिंगल कंप्यूटर एंड शेयरिंग द कॉमन सिस्टम बस मेमोरी एंड अदर आईओ डिवाइसेस। अब देखिए, अब ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमारे पास सीपीयू एक से ज़्यादा होंगे, लेकिन बाकी चीज़ जो है, हार्डवेयर हो गए, आपके इनपुट डिवाइस हो गए, आउटपुट डिवाइस हो गए, बाकी जितने भी चीज़ें सब वही रहेगा, सेम रहेगा। मतलब ये सब जो है सीपीयू क्या करेंगे? सेम रिसोर्स को क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। मतलब सब कुछ सेम रहेगा, इनपुट डिवाइस भी एक ही रहेगा, जैसे यूज़ करते जो भी करते हैं हम लोग वो रहेगा, हार्डवेयर भी एक ही रहेगा, बट सीपीयू यहाँ पे क्या होगा? एक से ज़्यादा होगा, है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं टू और मोर सीपीयू विद इन अ सिंगल कंप्यूटर एंड शेयरिंग द कॉमन, और ये जो शेयर करता है वो कॉमन रिसोर्सेस, कॉमन मेमोरी को क्या करेगा? तीनों शेयर करेगा। कॉमन हार्डवेयर को क्या करेगा? तीनों शेयर करेगा। ये तरीका है यहाँ पे। अगला पॉइंट देखते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस में रन ऑन डिफरेंट सीपीयू। मैंने अभी बताया कि यदि आपके पास एक से ज़्यादा सीपीयू हैं तो आप सब सीपीयू को एक एक प्रोसेस दे दीजिए एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा? एक साथ हम एक से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? प्रोसेस को क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यही मैंने पॉइंट में लिखा है कि डिफरेंट प्रोसेस, मतलब डिफरेंट, मान लीजिए आपका सीपीयू वन है, सीपीयू, इसी को सीपीयू को हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं, तो सीपीयू वन है, सीपीयू टू है, सीपीयू थ्री, तो मैंने सीपीयू को पी वन दे दिया प्रोसेस, सीपीयू टू को पी टू दे दिया, सीपीयू थ्री को पी थ्री दे दिया। यानी क्या है, अब ये तीनों प्रोसेसर एक एक प्रोसेस को एक साथ रन कर सकता है, है ना। तो यही चीज़ मैंने बोला है कि डिफरेंट प्रोसेसेस में रन ऑन डिफरेंट सीपीयू कॉल्ड ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन। अब इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन। मतलब कि एक से ज़्यादा प्रोसेस यदि एक साथ रन हो रहा है तो यानी पैरेलली रन हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स मल्टी प्रोसेसिंग ओएस। मतलब जो है मल्टी प्रोसेसिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, वो दो तरह का होता है,
जो पहला होता है वो देखिए क्या होता है। पहला जो है आपका होता है उसको हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगला जो होता है उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक। अब देखिए क्या होता है। सिमेट्रिक मतलब क्या कि मान लीजिए आपके पास एक से ज़्यादा सीपीयू है और सबको बराबर राइट है, मतलब सबको बराबर अधिकार है काम करने का, सब एक एक प्रोसेस को एक साथ कर सकता है, यानी कोई अति मास्टर नहीं है, कोई स्लेव नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई नौकर नहीं है, सबका बराबर राइट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक। यानी वन ओएस कंट्रोल्स ऑल सीपीयू एंड इच सीपीयू हैज इक्वल राइट, है ना। यानी समझिए कि सबके पास क्या है, आपका बराबर राइट है, और एक ओएस जो है, एक जो है सीपीयू, और मतलब एक ओएस आपके पास है, वो जितने भी सीपीयू हैं सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। और मैंने क्या बोला कि एंड इच सीपीयू हैज इक्वल राइट, मतलब आपके कंप्यूटर में तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही रहेगा, उसमें क्या रहेंगे, प्रोसेसर ज़्यादा रहेंगे। यानी एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जो है जितने भी प्रोसेसर हैं सबको क्या करेगा, वो हैंडल करेगा, सबको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, और सबको बराबर बराबर अधिकार देगा, राइट देगा कि आप बराबर बराबर काम कर सकते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं। अगला क्या है, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब क्या होता है कि सिमेट्रिक मतलब क्या, इसमें क्या है ना, किसी एक को हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं। जैसे देखिए मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, यहाँ पे क्या होता है, मास्टर स्लेव वाला कंसेप्ट आता है, मतलब एक मालिक होगा बाकी क्या होगा, नौकर होगा, ऐसा कंसेप्ट है। इसको बोलते हैं हम लोग एसिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या होता है, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, यानी इसमें जो होगा मास्टर स्लेव मतलब एक मास्टर होगा बाकी क्या होगा, स्लेव मतलब नौकर होगा। अब देखिए सिस्टम टास्क ऑन वन प्रोसेसर एंड एप्लीकेशंस ऑन अदर प्रोसेसर। मान लीजिए अब क्या होगा कि मान लीजिए एक जो मास्टर है ना, वो क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा कि किसको क्या करना है, वो जो कहेगा वही बाकी प्रोसेसर क्या करेगा, काम करेगा। इसमें क्या होगा कि एक जो प्रोसेसर होगा है ना, उस पर केवल सिस्टम टास्क होगा। सिस्टम टास्क मतलब क्या, जो कंप्यूटर जो आपका रन कर रहा है, कंप्यूटर रन करने के लिए भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सीपीयू चाहिए ना उसमें, तो उसके लिए जो है एक फिक्स कर दिया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आपका सिस्टम जो ऑन है वो जो काम कर रहा है, तो उसके लिए जितने भी टास्क होंगे उसको कौन परफॉर्म करेगा, एक सीपीयू करेगा। अब देखते हैं अगला, एंड एप्लीकेशंस ऑन अदर, और बाकी काम जो आपका काम होगा और जो एप्लीकेशन वाला काम होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो प्रोसेस होगा उसको क्या करें, बाकी अदर सॉफ्टवेयर करेंगे, है ना, अदर सीपीयू करेंगे उसको। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मास्टर स्लेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर स्लेव, या ऐसे भी कह सकते हैं वन सीपीयू, मतलब एक मास्टर होता है और बाकी क्या होता है, वही क्या करता है, बाकी चीज़ को सबको हार्डवेयर को और बाकी चीज़ को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट है, सिमेट्रिक मतलब सबके पास बराबर समान अधिकार है, बराबर राइट है, सब बराबर बराबर प्रोसेस को क्या कर सकता है, रन कर सकता है, और यदि सबके पास बराबर नहीं है, यानी एक उसमें से क्या होगा, मास्टर होगा, बाकी प्रोसेसर क्या होगा, उसका स्लेव होगा, मतलब वो जो कहेगा वही वो करने वाला है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये तो था इसका दो टाइप, और अब हम बात करते हैं इसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है। अब एडवांटेज को हम वन बाय वन देखते हैं। पहला जो एडवांटेज है, इंक्रीज्ड थ्रोपुट एंड इफिशियंसी। अब इसका मतलब समझिए कि हमने पिछले वीडियोस में, पिछले ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों ने देखा था मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में, मल्टी टास्किंग के केस में, कि एक बार में जो है एक ही प्रोसेस को हम लोग क्या कर पा रहे थे, रन कर पा रहे थे। बट यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर है, तो एक से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रोग्राम को और प्रोसेस को आप रन कर सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग का कंसेप्ट है। तो सिंपल सी बात है, यदि एक साथ हम बहुत सारा काम कर सकते हैं तो क्या होगा, हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगा ना। अब एग्जांपल के लिए देखिए कि एक घर है, मान लीजिए घर बहुत बड़ा घर है, मतलब उसमें बहुत सारे लोग फैमिली में हैं, बहुत सारे मेंबर हैं, तो मान लीजिए उसमें जो काम गृहिणी होती है, काम करने वाली होती है, वो क्या करती है, मान लीजिए यदि छोटा घर है तो कोई बात नहीं, एक अकेली काम करेगी, सबको खाना खिला देगी, रोटी बना के खिला देगी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए यदि घर बड़ा है तो क्या होता है कि आप देखते होंगे उस घर में कि बहुत सारे जितने भी लेडीज़ होते हैं सब बैठ के रोटी बनाना शुरू करते हैं और सबको एक साथ बैठा के खाना खिलाना शुरू करते हैं। यानी ये कंसेप्ट जो है आपका मल्टी प्रोसेसिंग का है कंसेप्ट। अगला देखिए, इंक्रीज रिलायबिलिटी। अब सिंपल सी बात है कि आपके पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर है तो क्या होगा, रिलायबल होगा, विश्वसनीय होगा, कैसे होगा, देखिए
कि मान लीजिए 3 प्रोसेसर है आपके पास, कोई एक काम नहीं भी करता है तो आपका बाकी प्रोसेसर तो काम कर सकता है, तो इसलिए रिलायबल है, मतलब विश्वसनीय है। यानी ये अब मान लीजिए जिसमें एक ही प्रोसेसर है वो काम नहीं करेगा तो आपका कोई काम नहीं हो पाएगा, पर यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं तो यदि कोई एक ख़राब भी हो गया तो बाकी काम करता रहेगा, आपका काम प्रोसेस करता रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं इंक्रीज रिलायबिलिटी। अगला है बैटरी इफिशियंट। अब देखिए इसमें क्या फ़ायदा है, बैटरी इफिशियंट मतलब मान लीजिए आपका मोबाइल है ना, उसमें आप देखते हैं एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशंस ओपन करके रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप जब ऑन करते हैं स्क्रीन, जब ऑन करते हैं यानी मोबाइल का जो स्क्रीन आप अनलॉक करते हैं तभी वो क्या करता है, आपका बैटरी कंजम्पशन करता है, लेकिन जैसे ही आप लॉक कर देते हैं बैटरी कंजम्पशन क्या होता है वहाँ पे बंद कर देते हैं। तो वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पर है कि यदि एक से ज़्यादा प्रोसेसर है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब आपका बाकी का जरूरत नहीं, जब एक ही प्रोसेसर से काम होने वाला है तो बाकी प्रोसेसर जो है वो क्या होता है, आइडल होता है, मतलब वो काम करना, मतलब वो सिंपल कहेंगे तो आइडल होता है, वो डीएक्टिव होता है, और जो एक से काम है तो एक ही उसमें एक्टिव होगा। इससे क्या होगा, आपका जो बैटरी का जो कंजप्शन है वो क्या होगा, आपका वो कम होगा और आपका जो बैटरी का जो लाइफ है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला देखते हैं पॉइंट, ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग। अब ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है, पैरेलल मतलब क्या होता है, जब हम एक से ज़्यादा काम एक साथ करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग। तो मैंने बताया था इसमें, क्योंकि ये क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग है, मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेसर है आपके पास, तो जब एक से ज़्यादा प्रोसेसर है तो एक साथ क्या है, ज़्यादा प्रोसेसर रन हो सकते हैं इस पर, है ना। तो इससे इसीलिए मैंने बोला है कि एक साथ यदि एक से ज़्यादा प्रोसेसर रन होते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, है ना, मतलब एक साथ रन हो रहे हैं। अब ये तो थे एडवांटेजेस के बारे में, अब जो हम लोग बात करने वाले हैं इसका क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो आइए वन बाय वन देखते हैं। जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है इसका वो क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल सी बात है ना कि जब मतलब आप कोई घर है, देखिए घर है कोई छोटा घर है उसको मैनेज करना बहुत सिंपल होता है, लेकिन मान लीजिए कोई बड़ा परिवार है उसमें फैमिली है, उसमें बहुत ज़्यादा मेंबर है, तो उसको मैनेज करना भी क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। उसी तरह से देखिए, चूँकि यहाँ पर एक से ज़्यादा CPU है और एक साथ क्या होंगे, बहुत सारे प्रोसेस क्या होंगे, रन होंगे यहाँ पे, एक्सक्यूट होंगे, तो उसको मैनेज करना भी क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि मोर कॉम्प्लेक्स। ये जैसे जैसे प्रोसेसर बढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगा, लेकिन फ़ायदा आखिर है ना इसका कि ये हमारे कम समय में बहुत ज़्यादा काम कर दे रहा है, ठीक है। अगला देखिए, लार्ज मेन मेमोरी। अब सिंपल सी बात है कि प्रोसेसर चाहिए तो वो ज़्यादा काम को करेगा, ज़्यादा प्रोसेस को एक्सक्यूट करेगा, एक्सक्यूट करने के बाद उसके लिए स्टोरेज भी तो चाहिए हमारे पास ना, तो इसीलिए जैसे जैसे प्रोसेसर बढ़ेंगे, हम बढ़ाते जाएंगे तो हमको मेन मेमोरी भी क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मेन मेमोरी इसलिए बढ़ाना पड़ेगा कि आपको पता है कोई भी प्रोसेसिंग होने से पहले कहाँ पे स्टोर होता है, मेन मेमोरी में होता है। तो सिंपल सी बात है, यदि आपके पास ज़्यादा प्रोसेसर है तो ज़्यादा प्रोसेस चाहिए आपको मेन मेमोरी में, तो इसलिए मेमोरी का साइज़ क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो वही एक डिसएडवांटेज है कि लार्ज मेन मेमोरी, मतलब मेन मेमोरी का भी रिक्वायरमेंट क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोसेस। तो ये था हमारा डिस्कशन था मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में, कि मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, और हम लोगों ने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा कि सिंपल जब स्टार्टिंग में मेन फ्रेम कंप्यूटर थे तब कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, फिर हम लोगों ने देखा कि सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता था, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा स्पूलिंग का कंसेप्ट, पढ़ा कि पहली बार जो है स्पूलिंग कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि दो मेमोरी यूज़ होता था, यानी एक मेन मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी के रूप में। फिर उसके बाद हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट करते करते क्या पढ़ा हम लोगों ने, कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मल्टी टास्किंग क्या होता है, और अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है। तो ये सब थे हमारे डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम थे, और सब में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते किया गया, जिसके कारण आज हम मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, बट इसके बाद हम अगले वीडियोस में बाकी जो कुछ बचे हुए हैं, जैसे कि आपका हो गया ये टाइम शेयरिंग क्या हो, सॉरी ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।